सुबह से फिर से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, कुछ मेहनत का खून देने के बाद। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो तलवार हमने खोली थी गीले को निकालने के लिए, उसको वापस लगा रहे हैं ताकि सूखा माल जो है उसका अच्छा भूस बन जाए। और ये थ्रेसर को कर रहे हैं कंप्लीट, वो हॉल हो रहा है कंप्लीट, उसके ऊपर अभी छत डालने वाला काम बाकी है। बाकी राम भैया ये पीछे से नट कस जो यार, खड़ा हो जा तुम ऊपर। राम भैया का एक बोल्ट दे दो। अब ये थ्रेसर जो है वो बढ़िया चल रही है। हमने क्या किया है कि ये लगा दी है कटर बाहर, हम ये माल को काटती है साथ में, थोड़ा गीला आ जाए तो, और भूसा भी बढ़िया बनाती है। मतलब हड़म्बा का भूसा और इसके भूसे में अब कोई फर्क नहीं है। एक कलाकारी और हम करेंगे कि इसकी ये जो दाते होने, ये ग्लेंडर से काटेंगे, इसको छोटा कर देंगे। ये चांद लग रहा है, चांद का टुकड़ा। इससे क्या है कि गीले में इसमें मटेरियल अच्छा जाता है, पर सूखे में ये थोड़ा सा लोड लेते हैं। आज की हमारी कटाई चल रही है पूसा मानव की, जो कि निकल रहा है मतलब अभी, और हमारी थ्रेसर में पत्थर डाल दिया है भैया उनने। अब वो जब तक पूरी ब्लेड को खा नहीं जाएगा तब तक बाहर नहीं जाएगा, गोल गोल घूमे ही करेगा। और ये एक ढेर, ये एक छोटा ढेर वो है, ज़्यादा बड़ा ढेर नहीं है। और चना इस प्रकार निकल रहा है और हम ये कूंडे गिन रहे हैं, कूंडे एकदम सूखा लाल चना है, लाल स्वरूप एकदम। ये पत्थर आए तो देख लिया करो यार, चांद घोलना का बात तो कम रे, इसको भी जड़ जड़ चला है नहीं, वो लगानू ही नहीं अपना का है। फंस गया है गाला, बड़े दिल वाला।
भैया हमारे आनंद भाई लगे हैं जोर शोर से पूछा मानव को हेड़ने के लिए, इसको आदि मानव बना दूंगा ऐसा मन में सोच के चल रहा है वो। ये हमारे गोपाल भाई जो है वो क्या कर रहे हैं कि कूड़ा तो डाल ही रहे हैं प्लस उसमें गिनती भी चल रही है कि कितना निकला।